नियाज भाई, आज रशीदा जो है वो छुट्टी पर है, तो ये सौदा सल किचन में रख दीजिएगा। जी जी मैं रख देता हूँ। बेगम साहिबा, सामान मैंने सब रख दिया अंदर। लाइए चाबी अंदर, मैं गेट बंद कर दूँ। नहीं, मैं कर लूँगी रियाज भाई। अरे आप क्यों तकलीफ करती हैं बेगम साहिबा, हम हैं ना इन कामों के लिए। नियाज भाई, अभी मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं अपने काम खुद करना पसंद करती हूँ। आज भी साहब मरहूम के खानदान में जाना ना होता तो आपको जहमत ना देती। जहमत कैसी बेगम साहिबा, आप तो शायद नाराज हो गए, माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये ले पैसे, जुमरात आपने जाने बच्चों के मदरसे भी शिवरात्रि के साथ राशन लेके, कल से शादी वाले मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे। मुझे मालूम है, जब ही तो आपने रास्ते में इतना राशन ले लिया, वरना अपनी अकेली जान पे आप लगाती कितना है। चलें अच्छा है, रौनक होगी, आपका दिल भी बहल जाएगा। मेरा दिल बहलाने के लिए भी शिवरात्रि और आलिया काफ़ी है, उनके होते हुए मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती। जी जी, अच्छा ये गाड़ी की चाबी है, मैंने लॉक कर दिया सही से, दो तीन दिन में आके तेल पानी चेक कर जाऊंगा और मैकेनिक को भी दिखा दूंगा, खड़े खड़े जंग लग रहा है। ठीक है मैं चलता हूँ। अच्छा वो बेगम साहिबा जी, असल में किराए की टैक्सी चला चला कर तंग आ गया हूँ, चाहता हूँ कहीं इज्जत से बैठ कर कमाऊँ। अगर आप मुझे मुस्तकिल मुलाजमत, मेरा मतलब है आपको भी सस्ता पड़ेगा। हाँ लेकिन यहाँ से मुझे मुस्तकिल ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है, घर से बाहर कोई खास काम होता नहीं है, और होता भी तो आपको ही बुलाती। जी जी मुझे मालूम है, चौकीदारी रख ले जी, आजकल बहुत ज़रूरी है। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। नियाज भाई ये रख। इसकी क्या ज़रूरत है बेगम साहबा, मैंने तो बस वैसी बात की थी। मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं, रख लीजिए, आपके काम आएंगे। बहुत शुक्रिया बेगम साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया।